हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये डिज़ाइनर नेक नायरा स्टाइल कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और स्पेशली ये जो नेक डिज़ाइन है, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। और जैसा हमने इस वीडियो में ये फुल ड्रेस बनाया है, उसी तरह की मुझे पिक सेंड की गई है, तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इस कुर्ती के साथ जो हमने ये अफगानी शलवार बनाई है, इसका वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल जैदी ट्यूटोरियल्स पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। और यहाँ आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए, कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से रहेगा। सो यहाँ पर ये मेजरमेंट जो है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कुर्ती रेडी करेंगे। अब कुर्ती बनाने के लिए हमने क्या क्या मटेरियल लिया है वो देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने 2 मीटर थिक जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, जिसका अरज 58 इंच है। अगर आप कम अरज का फैब्रिक ले रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 3.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। साथ में हमने यहाँ पर 10 मीटर कॉटन लेस ली है। तो अब देखिए, मैं अपने कपड़े का आपको डायमेंशन दिखा देती हूँ। मैंने डबल फोल्ड करके रखा है, ये इसकी किनारी वाली साइड यानी लंबाई वाली साइड है। तो डबल फोल्ड करके इसकी जो लंबाई है ये 40 इंच है, इसका मतलब ये 2 मीटर है। और हमारे कपड़े का जो अरज है वो 58 इंच है। तो मैंने बड़े अरज का फैब्रिक लिया है, इसलिए मैं 2 मीटर ले रही हूँ। आप कम अरज का फैब्रिक 3 मीटर लें। तो जहाँ से हमारे कपड़े का अरज है, मैं वहाँ से अपने घेरे की चौड़ाई लूँगी। तो जो हमारे फ्लेयर की चौड़ाई होगी वो मैंने 38 इंच ली है। 2 इंच इसमें से सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा फोल्ड में, तो ये 36 इंच का बचेगा। तो यहाँ से हमने 38 इंच लेकर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है निकाल देंगे, और ये बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव और टॉप पार्ट निकालेंगे। अब देखिए, जो हमारे फ्लेयर की ये चौड़ाई हो गई 38 इंच, बट इसकी जो लेंथ है वो अभी ज़्यादा है, तो कुर्ती के अकॉर्डिंग हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो इस कॉर्नर पर हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे, और अब हमने नीचे की तरफ फ्लेयर की लेंथ लेनी है। तो जितनी भी हमें कुर्ती की लंबाई चाहिए उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ पर 32 इंच पर कपड़े को इस तरह से पकड़ूँगी और इसको डबल कर लूँगी। तो ये हमारे 2 फ्लेयर होंगे फ्रंट और बैक के। अब इसको हमने यहाँ से कट कर लेना है यहाँ से, और जो आगे की तरफ ये बचा फैब्रिक है, हम इससे नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल ये वाला फैब्रिक हमारा डबल है, तो यहाँ से कट करके हम इसको 2 में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट बन गए हैं फ्लेयर के। अब देखिए, ये वाली साइड जो है, ये हमारे घेरे की लंबाई वाली साइड है 32 इंच, और ये चौड़ाई वाली साइड है यानी 38 इंच, जो कुछ इस तरह से प्लेट्स आ जाएंगी। अब बचे हुए कपड़े में से हम अपने टॉप पार्ट के लिए लंबाई और चौड़ाई निकाल कर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने टॉप पार्ट को 6 फोल्ड में रखा है, यानी यहाँ पर हम 3 टॉप पार्ट कट करेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 12 इंच ली है और जो लंबाई है वो 17 इंच ली है। इसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पर अपने बॉडीज़ के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग कर ली है। सो इसकी जो लंबाई है मैंने टॉप पार्ट की 17 इंच पर कट की है। अब यहाँ से हमारा जो शोल्डर है वो 7.5 इंच है, नेक की विड्थ 3 इंच है। इसके बाद ऊपर से 0.5 इंच कंधे डाउन करके जो आर्म होल की लेंथ है वो 7.5 इंच है, इस तरह से। अब यहाँ से हम बस्ट का 4th पार्ट रखेंगे 10 इंच, और नीचे से कमर की जो गोलाई है वो 8.5 इंच, और आगे से 2 इंच मार्जिन लेकर हमने ये ड्राफ्टिंग को कट कर लिया है। अब इसकी फोल्ड वाली साइड यहाँ हमने बराबर मिलाकर रखनी है दोनों की। इसके बाद हमने यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है, और ये जो नेक की चौड़ाई है यहाँ पर हम नॉचेस लगा लेंगे, और साथ में जो फिटिंग के हमारे मार्क हैं यहाँ भी हमने छोटे से नॉचेस लगा लेने हैं। इसके बाद हम इसमें से बैक वाला पार्ट इस निकाल देंगे, और ये जो 2 पार्ट हैं दोबारा से इनको फोल्ड कर लेंगे। अब हमने अपने पेपर पर नेक के पैटर्न की कटिंग करनी है। तो देखिए, नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच है, इसके बाद नेक की जो लंबाई है वो 7 इंच है, और नीचे की तरफ हमने लगभग 12.5 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। अब देखिए, जो आगे से नेक की चौड़ाई रहेगी, यहाँ से हमने इसकी जो लेंथ है वो 4 इंच लेनी है। इसके बाद जो हमने नेक की लंबाई 7 इंच पर मार्क किया था,
इसको इंच टेप इस तरह से रखकर नेक की शेप दे देंगे इस तरह से। अब हमने देखिए यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ 9 इंच पर एक मार्क करना है। अब 9 इंच के सामने हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पर मटका शेप देकर ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। सो जो हमारे नेक की लेंथ है 4 इंच, उसको हमने 5.5 इंच पर मिलाना है और यहाँ 12.5 इंच पर। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ ये हमने किस तरह से ड्रॉ किया है। नेक की चौड़ाई 3 इंच ली है, नेक की लंबाई 7 इंच ली है। इसके बाद यहाँ से हमने 4 इंच लेकर ये नेक ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से 9 इंच पर मार्क किया और यहाँ से 12.5 इंच पर। इसके बाद 9 इंच के सामने हमने 5.5 इंच पर मार्क करके इन तीनों पॉइंट को इस तरह से राउंड शेप में मिला दिया है। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से, और अब हमने नेक भी कट कर लेना है। सो ये नेक का पैटर्न हमारा कट हो चुका है जो कुछ इस तरह से रहेगा। सो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये जो नीचे से हमारा नेक का पैटर्न निकला है इसको हम एक साइड में रखेंगे, और अब हमने अपने ये फ्रंट के दो टॉप पार्ट लेने हैं, साथ ही साथ इसके आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। और देखिए यहाँ पर ये हमारे दो टॉप पार्ट हैं इस तरह से। तो ये नेक हम अस्तर में बना रहे हैं। अब हमने इसके बराबर मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। सो पहले मैंने मार्किंग कर ली थी, इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज़ ये दो टॉप पार्ट हैं जो हमने इस तरह से कट किए हैं, ये देखिए। अब हमने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है यहाँ से मिलाते हुए, और अब एक पैर की सिलाई लगाते हुए हमने जो नेक कट किया है यहाँ से इसको सिल देंगे। सिलने के बाद हमने इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं इस तरह से। कट लगाने के बाद अब हम इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। सो इस तरह से ये सीधी तरफ टर्न हो जाएगा। अब देखिए हमने जो नेक की सिलाई की है इसको अच्छे से कॉर्नर निकालेंगे, और अब हमने यहाँ पर आयरन कर लेनी है। इसके बाद हमने नेक डिज़ाइनिंग के लिए बचा हुआ फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई 17 इंच है और लंबाई 26 इंच है। अब इसको डबल कर लेंगे एंड एक पीस और लेंगे हम। इसको भी मैं डबल करके इसकी लंबाई चौड़ाई दिखा देती हूँ। तो देखिए दोनों की जो चौड़ाई है वो हमने बराबर ही रखनी है, यहाँ से 7 इंच, और छोटे वाले पीस की जो लंबाई है वो 10 से 11 इंच ले लेंगे, और ये बड़ा वाला जो पीस है हमारा 26 इंच का है। अब हमने जो नेक का पैटर्न ये निकाला था सेंटर वाला, इसको हमने वापस दोबारा से इस तरह से फोल्ड वाली साइड मिलाकर रखना है। ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ से, और यहाँ से 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे छोटा वाला पीस, और बड़ा वाला पीस बिल्कुल उतना ही लेंगे जितना हमने बताया है। तो छोटा वाला हमने इसलिए एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि आगे की तरफ हमने 1 इंच बढ़ाना होगा। अब यहाँ से नेक के साइड से बराबर मिलाकर मार्क करना है, और ऊपर हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा। इसके बाद इसकी कटिंग इसके बराबर ही कर लेंगे, और ऊपर की साइड से भी यहाँ 1 इंच छोड़ते हुए गोलाई दे देंगे और इसको कट कर लेंगे। नीचे से हम बाद में कट करेंगे जब हमारा गैदर्स पूरी तरह से लग जाएंगी। अब हमने देखिए जो वी शेप दिया है यहाँ से दोनों को मिलाकर रखना है यहाँ से, और एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें कट भी लगाने होंगे सेंटर में यहाँ पर और इस साइड भी। अब इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे और किनारी पर एक प्रेस स्टिच कर लेंगे। सिलाई करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। अब जो हमारा बड़ा वाला फैब्रिक है ये वाला, इसके सेंटर में हमने एक मार्क करके बड़ी चाल की एक सिलाई लगा ली है। अब कोई भी एक धागा खींचेंगे और इसमें गैदर्स बनाएंगे इस तरह से। गैदर्स हमने नीचे वाले फैब्रिक के बराबर ही रखनी है। सो जो हमने 11 इंच के लेंथ पर नीचे वाला फैब्रिक लगाया है इसके नीचे, उसी के बराबर इस तरह से हमने ये गैदर्स बना लेनी है इस तरह से। गैदर्स बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा है यहाँ पर हम नॉट लगाकर कट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए ये इसके बराबर हो गया है, तो यहाँ हमने इस तरह से एक सिलाई लगानी है और नीचे के साइड भी एक सिलाई लगानी है। तो नीचे से बराबर मिलाकर रखना है और एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। सो ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे इसको बराबर पकड़ते हुए।
सो ये बीचों बीच आएगी सिलाई, नीचे फैब्रिक के साथ ये सेंटर से जॉइंट हो जाएगा। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये इसकी बीच वाली साइड है जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है। अब हमने यहाँ पर जो प्लेट्स बनानी हैं वो देखिए कुछ इस तरह से बनानी होंगी, इस तरह से। तो यहाँ से हमने ऊपर से ही सिलना स्टार्ट करना है और ऊपर से लगभग 2.5 इंच के अराउंड छोड़ते हुए सीधा सिलेंगे। उसके बाद प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने ये प्लेट्स इस तरह से सेट करनी है। और ये जो प्लेट्स हैं वो हमने जो इसका हाफ पोर्शन है यहाँ तक इसका फेस नीचे की तरफ रखना है, और जब हम इसके सेंटर में आ जाएंगे आधी प्लेट्स हम ऊपर की तरफ फेस करते हुए बनाएंगे। तो पहले हमने ऊपर से नीचे की तरफ बनानी है प्लेट्स, और अब यहाँ से हम प्लेट्स का फेस ऊपर की तरफ कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप वीडियो में। सो कुछ इस तरह से हमने प्लेट्स बनाई हैं। यहाँ आकर देखिए इतना हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये कटिंग में भी चला जाएगा, ये इसकी रॉन्ग साइड है। अब दूसरी साइड में भी हमने इसी तरह से यहाँ से इतना गैप छोड़ते हुए ये प्लेट इस तरह से सेट करनी होंगी। सो बिल्कुल सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी ये ऐसे करके प्लेट्स बना लेंगे। तो देखिए इतने पोर्शन में हमने प्लेट्स का जो फेस है वो नीचे की तरफ किया है आधे में, और आधे की प्लेट्स का जो फेस है वो ऊपर की तरफ किया है। यहाँ हमने कोई गैदर्स और प्लेट्स नहीं बनाई हैं। अब हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है, जिस पर हमने देखिए ये आयरन करने के बाद चारों तरफ से ये सिलाई लगा ली है ताकि दो पीस जो हैं एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाए। अब इसमें हमने यहाँ नीचे की तरफ सेंटर में मार्क कर लेना है दोनों साइड में। अब इसको ओपन करेंगे और जो हमने ये नेक का पैटर्न बनाया है इसके ऊपर हमने इस तरह से रखना है। ये सेंटर वाला पॉइंट है, इसको यहाँ सेंटर से मिलाकर रखेंगे। और अब हमने फिर से वही जो पेपर का पैटर्न था वो लेना है और एक बार चेक कर लेना है जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो इसके बराबर होनी चाहिए। तो हाथों से हम सेट कर लेंगे पेपर के बराबर इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है, तो सिलाई लगाने से पहले मैं यहाँ पर पिन लगा लूँगी इस तरह से, और एक बार और चेक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर है। अब एक लेस का पीस लिया है मैंने छोटा सा, जिसको मैं नेक के यहाँ पर इस तरह से लगा कर रख दूँगी और एक सिलाई के साथ इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद दूसरी लेस हमने यहाँ इसके किनारे किनारे पर लगानी है। तो पिंस मैंने पहले ही लगा ली है, बस मैं डायरेक्ट इस लेस को रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। आप चाहें तो पहले नेक के पैटर्न को और नेक को एक साथ सिल लें, देन ये लेस लगा लें। तो देखिए यहाँ से हमने लेस जब लगानी है तो हाथों से अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे ताकि कहीं झोल ना आ जाए। सो गाइस थोड़ा थोड़ा हमने ये सेट करना है लेस वाला पोर्शन और सिलना है। उसके बीच बीच में हमने ये जो नेक का पैटर्न है जिसमें हमने ये प्लेट्स और गैदर्स बनाई हैं इसको भी हाथों से सेट करते जाना है ताकि फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आ जाए। इसके बाद हमने यहाँ इस लेस के दूसरे साइड में भी एक सिलाई और लगानी होगी। तो इसके जो ये साइड के कॉर्नर हैं इनको भी बनाते हुए हमने इस सिलाई को ला कर यहाँ फिनिश कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट का जो नेक का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने बैक नेक भी ये रेडी कर लिया है। दोनों नेक की चौड़ाई बराबर रहेगी और बैक नेक की जो लेंथ है वो मैंने 4 इंच ली है। अब हमने इसकी कंधियाँ ज्वाइन करनी है, तो बैक नेक की पट्टी फ्रंट में इस तरह से लाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे, साथ ही साथ इसकी फिटिंग भी कर लेंगे। और देखिए यहाँ से मैंने ये जो नेक का पैटर्न है ये 1 इंच छोड़ते हुए कट कर लिया है। बस यहाँ पर आप चाहें तो तुरपाई कर लें या फिर इसको ऐसे ही रहने दें। तो देखिए कंधी हमने ज्वाइंट कर दी है और फिटिंग भी लगा ली है। इसके बाद अब हमने अपना घेरा रेडी करना है। तो यहाँ पर ये हमारा घेरा है, तो इसके जो स्लिट्स हैं वो यहाँ पर हमने लगभग 3.5 इंच पर मार्क करना है। आप इस मार्क को 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच या आप जितना लंबा चाहे स्लिट्स खोलना उसको उसी के हिसाब से रख सकते हैं। और इसका जो गैप है वो मैंने 1 इंच लिया है, तो 3.5 इंच की लंबाई है और 1 इंच की दूरी पर ये मार्क करके हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसके ये जो चाक और दामन है वो फोल्ड कर लेने हैं। तो यहाँ से 1/2 इंच डबल फोल्ड करते हुए हमने इसके चाक दामन फोल्ड कर लेने हैं इस तरह से। तो लीजिए हमने इसके चाक दामन इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। तो यहाँ से मैंने देखिए
3.5 इंच लिया था और 1 इंच का जो दबाव है वो मैंने फोल्ड करने में लिया है, यानी आधा इंच को डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है। इसके बाद अब हमने इसके किनारे किनारे पर ये लेस लगानी है, तो जिस तरह से हम ये लेस फ्रंट में लगाएंगे वैसे ही करके हमने इस तरह से बैक में भी लगानी है। तो दोनों साइड में हमने ये लेस लगा दी है। अब हमने अपने टॉप पार्ट से इसको जॉइंट करना है, तो इन दोनों के सेंटर में मार्क कर लेंगे। इसके बाद टॉप पार्ट के सेंटर से इस तरफ हमने 5 इंच पर मार्क करना है। तो मैं 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ क्योंकि मैं बीच में 10 इंच की जो प्लेट से वो डालूंगी। आप चाहे तो इस मार्क को और बढ़ा सकते हैं, जितना आपने घेरे में चौड़ाई ली है उसी के हिसाब से यहाँ आपकी प्लेट्स आ जाएंगी। तो मैं दोनों तरफ 5-5 इंच पर मार्क करूंगी और इसी तरह से हम बैक साइड में भी सेंटर से 5-5 इंच पर दोनों तरफ मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए टोटल हमने जो गैप लिया है वो 10 इंच का लिया है, 10 इंच की दूरी पर हमारी ये प्लेट्स आएंगी। तो ये कुछ इस तरह से आएंगी और इतना साइड जो है वो हमारा सीधा सिलेगा। अब सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए हमने घेरा इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है, तो ये सेंटर के सामने सेंटर आ जाएगा और जो हमारे ये साइड की सिलाई वाला पोर्शन है ये एक दूसरे के सामने आएगा। तो हम यहाँ पर पहले पिन लगा लेंगे, इसके बाद हम इसमें प्लेट्स डाल ली हैं। अब यहाँ से सेंटर के सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने बिल्कुल सीधा सिलना है ये जो हमने स्लिट्स रखे हैं। इसके बाद यहाँ से हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। प्लेट्स का जो गहराई है वो मैं 1/2 इंच ले रही हूँ और 1/2 इंच का ही हम इन सभी प्लेट्स में गैप लेंगे। तो ये एक साइड में हमारी इतनी प्लेट्स आ गई हैं। इसके बाद जो हमारे टॉप पार्ट का सेंटर है और घेरे का, इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से। तो ये 5 इंच में हमारी प्लेट डली है। अब दूसरी साइड में भी हम ये 5 इंच में प्लेट डालेंगे और प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो हम एक ही साइड में कर देंगे, लेफ्ट या राइट में। अब यहाँ आकर ये इतना पोर्शन हमारा 5 इंच का ख़त्म हो जाएगा जहाँ पर ये प्लेट आखिरी रहेगी। इसके बाद हमने इसको यहाँ लाकर सीधा सिलना होगा और टॉप पार्ट में ये जो हमारा 2 इंच का मार्जिन है इसको इस तरह से कॉर्नर बनाकर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और इसी तरह से अब हमने दूसरी साइड में भी ये प्लेट्स डाल लेनी है। सो दोनों साइड में हमारी ये प्लेट्स इसी तरह से आएंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक में दोनों में प्लेट्स डाल ली हैं। तो जो सेंटर का हमारा प्लेट का पोर्शन है वो 10 इंच का है इस तरह से। अब हमने इसके जो लेंथ है वो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो रेडी लेंथ है वो हमने 46 इंच ली है। सो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं। इसके बाद अब हमने इसकी स्लीव लगानी है। तो मेरे जो स्लीव का मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कटिंग का मेजरमेंट है। स्लीव की बोरी पर लेस लगाकर स्लीव में हमने फिटिंग लगा ली है। अब अपने टॉप पार्ट के साथ इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद हमने ये एक डोरी ली है जिसमें हमने सिंपल से टाजल्स बना लिए हैं। अब इस डोरी को नेक के ऊपर इस तरह से रखकर यहाँ भी सिल सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको इस तरह से नीचे की साइड में भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ नीचे लगाकर नेक को फिनिश कर लूँगी। सो इसी के साथ हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हो गई है। अगर आप इस कुर्ती को जॉर्जेट विद अस्तर बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। और इस कुर्ती के साथ जो मैंने अफगानी शलवार बनाई है वो ये रही। इसका लिंक जो है वो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो इसको क्लिक करके आप अफगानी शलवार की वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कम्प्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।